प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 4.4 करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो है 4.1, 4.2 और 4.3 सारे के सारे मैंने कर दिए हैं, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वह तो आपको देखना ही देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ से मूल की प्रकृति निकालना है और उसको सॉल्व भी करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, आप लोग यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए पहला जो होता है ए होता है, दूसरा बी, तीसरा सी। तो यहाँ पे बी कितना है, तो बी का मान -3 है। ओके, एक्स का जो गुणांक होता है वही बी का मान होता है, तो बी के जो मान है -3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, -4 × a, तो a के मान आप बताइए कितना है, 2 है तो 2 रख देंगे, और गुना सी, तो सी के मान कितने है, तो यहाँ से 5 है, 5 रख दिए। अब चलिए आप लोगों को यहाँ से तो बनाने आएगा ही आएगा, देखिए 3 * 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ से माइनस, 4 * 2 = 8, 8 * 5 = 40 हो गया यहाँ पे। तो बताइए 40 से, ओके किससे, 40 से अगर 9 घटता है तो कितना बचता है, माइनस के 31 बच गया। तो आप बताइए यहाँ पे डी जो है, डी का मान आ गया -31, ऋणात्मक आ गया, तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल कैसा है, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक है तो इसका तो निकलेगा नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसका अगला प्रश्न कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बाबू, आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, चलिए हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। चलिए यहाँ से पहला ए हो गया, दूसरे का बी, तीसरे का सी, आप लोग तो जानते ही है। तो बी के मान कितने हैं, -4√3 है, तो चलिए -4√3, और यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, -4 × a, तो आप बताइए ए का मान कौन है, हाँ 3 है। चलिए और यहाँ से सी, तो सी के मान कितने हैं, 4 है, चलिए गुना करते हैं, 4 * 4 = 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा। ओके, फिर 4 * 3 = 12, 12 * 4 = 48 होता है, 4 * 3 = 12 = 48। चलिए अब यहाँ से 16 * 3 = 48 हो गया, और -48, तो 48 से 48 घटेंगे, डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, डी का जो मान है 0 आ गया। तो मूल कैसा है, वास्तविक है, मूल कैसा है, वास्तविक है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है। और यहाँ पे लिखेंगे तथा, मूल वास्तविक है तथा कैसा है, समान मूल है, समान है, समान मूल है। देखिए यहाँ पे d का मान जब 0 आता है तो मूल कैसा रहता है, वास्तविक रहता है, तथा दोनों जो मूल होते हैं x का मान, दो ठो आंसर आता है ना, दोनों समान आता है, मान लीजिए एक 2 आया तो दूसरे का भी 2 आएगा। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए भी बोला जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर एक्स बराबर क्या होता है, -b + -√2a, यह फॉर्मूला होता है, रखिए यहाँ पे b का मान कितना है, तो देखिए b का मान जो है -4√3 है, तो यहाँ पे रख देंगे -4√3, और b के बाहर देखिएगा यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस रख देते हैं, और प्लस, प्लस क्या है, d है, -b + -√2 है, तो d के मान कितना है, देखिए तो d का मान यहाँ पे 0 आया है, तो चलिए 0 रख देते हैं यहाँ पे। ओके, और बट्टा में 2a, तो a का मान कितना है आप बताइए, हाँ 3 है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस के 4√3, और यहाँ से प्लस माइनस
प्लस माइनस है, ओके, जीरो का रूट जीरो निकलता है। अब देखिएगा तो 2 तिहाई 6 हो गया यहाँ पे। अब यहां से एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, 4√3 + 0/6, और एक बार लिखेंगे 4√3 − 0/6। तो यहां से इसलिए x बराबर जो आ गया, चलिए बाद में x लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। 0 जोड़ेंगे 4√3 में तो आप बताइए कितना आएगा, 4√3 ही आएगा बटा 6, और 4√3 से 0 घटाएंगे तो उतना ही आएगा 4√3/6। अब यहां से कटा दीजिए, 2 मरतबे कट जाएंगे, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये भी 2 दूना 4 2 तिहाई 6 कट जाएंगे। चलिए और भी आप लोग काट सकते हैं, ओके, तो यहां से हम लोग इसको और भी काट सकते हैं। चलिए एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ पे 2√3 है, अच्छा बट्टा में देखिए 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3 आ जाएगा, इसको भी सेम लिखेंगे, 3 है तो √3 × √3 लिख देते हैं। अगर आपका आंसर इतना पर ही दिया है तो छोड़ सकते हैं इतना पर, 2√3/3, लेकिन नहीं दिया है तो इतना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे √3 से तो √3 कट हो जाएंगे, ओके, तो क्या बच गया यहाँ पे, x बराबर बच गया 2/√3, और यहाँ पे √3 से √3 कट गया, ये भी क्या बच गया, 2/√3, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसके तीसरे नंबर प्रश्न को करने वाले हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है 2x² − 6x + 3 = 0, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, b² − 4ac, आप लोगों को यह फॉर्मूला पता है। चलिए पहले का ए होता है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो बी के मान कितने हैं, -6 है, एक्स का गुणांक कितना है, -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, -4 × a, ए के मान कितने हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही ए का मान होता है, ओके, तो ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और सी तीसरा जो है सी का मान होता है, तो सी के मान कितने हैं, 3। चलिए सॉल्व करते हैं, 6 × 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ से, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 हो जाएंगे, 4 × 2 = 8 = 24, ओके। चलिए 36 से 24 घटेगा कितना बचेगा, 12, तो d का मान आ गया 12, तो मूल कैसा है, वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा असमान है, कैसा है, असमान मतलब अलग अलग मूल है, विभिन्न मूल है, ओके। तो चलिए यहां से जब अलग अलग मूल होता है तो यहाँ पे मूल का निकालते हैं हम लोग, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √√d/2a, ओके, तो चलिए यहाँ से मान रखते हैं -b, b के मान कितने हैं, -6 है, तो यहाँ पे -6 रख देंगे, और फिर बाहर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, +√√d, तो d के मान कितने आए हैं, 12 आए हैं, ओके, बट्टा में 2 × a, a का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 रखते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, बराबर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हाँ प्लस हो जाएंगे, प्लस के 6 और फिर +√√12, तो 12 के देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 / 12, 2 × 2 = 4 / 12, कोई फर्क पड़ा नहीं, गुणनखंड कर दिए है। अब नीचे देखिएगा तो 2 × 2 है, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4, यहां से एक बार लिखेंगे 6 ±, अब देखिए 2 अंदर है, रूट के अंदर है, तो एगो बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 बाहर निकल गया, और 3 का नहीं मिला तो यह रूट के अंदर ही रह जाएगा, बट्टा में कितने हैं, 4 है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 6 लाना है, तो 2 के पार क्या मरतबे, 3 मरतबे, 2 तिहाई 6, ओके, प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गया तो क्या बच गया, √3 बच गया, बट्टा में कितने, 4, यहां से ये कट जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर 3 ± √3/2 आ गया, तो इसीलिए x बराबर यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी को आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, जैसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 3 − √3/2,
तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आंसर दिया है तो इतना ही रहने देंगे, और ये अगर आंसर दिया है तो इतना ही रहने देंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न को आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक है, 2 का 1 नंबर 2x² और फिर उसके बाद में प्लस के के एक्स प्लस थ्री बराबर क्या दिया है, तो 0 दिया है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे मूल, चूंकि मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, होने के लिए d बराबर क्या आना चाहिए, d बराबर 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल बराबर तभी होता है जब d का मान 0 होता है। ओके, चलिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर कितना है, 0। और यहां से आप लोग जानते हैं पहला जो मान होता है a होता है, दूसरी का b, तीसरी का c। तो b के मान कितने हैं, यहाँ पर k है, तो k² - 4 गुना a, तो a के मान कितने हैं, 2 है, तो चलिए 2 रखते हैं। और c के मान कितने हैं, 3 है यहाँ पे, और बराबर कितना, 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। k² - 4 गुना कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 तिहाई 24, तो यहाँ से 24, 4 दूना 8 तिहाई 24 बराबर कितने, 0, और 4 दूना 8 तिहाई 24 सही है। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। k² 24 है माइनस में बराबर के, इस पर आ जाएंगे प्लस में 24। ओके, तो यहां से k² बराबर कितना है, 24 है, यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है। तो यहां से k का जो वैल्यू आ गया, देखिए के का रूट, 24 का रूट कैसे निकालेंगे, चलिए गुणनखंड करते हैं। 24 का 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से 3, तो 2 का जोड़ा मिल गया, 2 और 3 का नहीं मिला, तो 2 का जोड़ा मिल गया, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस लिख देते हैं पहले, 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 और 3 का नहीं मिला, तो 3 दूना 6 रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो यहां पर k का मान आपका ये आ गया। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। kx(x-2+6)0 दिया है, तो यहां से के एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के एक्स में 2 से गुना करेंगे तो माइनस के 2 kx आ जाएगा, और प्लस में कितना है, 6 बराबर 0। अब यहां से हम लोग डी निकालेंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला आता है बच्चों b² - देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, भाषा लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, चलिए d का फॉर्मूला रखते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर कितना है, 0। अब यहां से आगे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए पहला वाला जो मान होता है a होता है, दूसरा b, तीसरे का c, तो b के मान कितना है, 2k, एक्स का गुणांक क्या है, 2k है, -2k, तो -2k रख देते हैं। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 गुना a, तो a के मान कितना है, k है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, k है, तो k रख देते हैं, और गुना c, तो c के मान देखिए 6 है, तो 6 रखेंगे। अरे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, k में k से गुना करेंगे, k² और फिर माइनस 4 6 24k बराबर कितना, 0। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4k² को रोकेंगे, माइनस के 24k है, बराबर के इस पर आ जाएंगे, प्लस में 24k, तो यहां पर 4 एकम 4, 4 6 24। ओके, तो
तो क्या बच गया यहाँ पे, के स्क्वायर बराबर 6 के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गो के है और इधर दो गो के है, तो के से एक गो के कट जाएगा तो एक ठो के बचेगा। ओके, तो यहाँ से के का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, देखिए के बराबर आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको मान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को, और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यह जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखेंगे, माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिएगा तो एकदम इजी है, आप लोगों से भी बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बाग बाग बना लेते हैं, बगिया ए बी सी डी, ये कोई बगिया हो गया। इसका जो चौड़ाई है हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुनी है, तो यहाँ पे लंबाई जो है 2x हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे इसमें कह रहा है, और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आयताकार बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगा 2x मीटर। अब प्रश्न अनुसार देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहां से x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इधर कितना है 800। ओके, अब यहाँ पे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 ठो 0 है, चलिए 2 ठो 0 लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। चलिए अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना है, 400 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो इधर क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है ना। तो चलिए यहाँ पर x का जो मान आ गया, 400 के रूट कितना निकलता है, 20 निकलता है, तो एक बार x का मान आ गया क्या चीज में, प्लस में 20, और एक बार माइनस में 20, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, कौन होगा, इसलिए प्लस वाला हो जाएगा, तो आयताकार बाग की चौड़ाई जो है क्या हो जाएगा, इसलिए बगिया की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, तो यहाँ पे माने हैं 2x, तो 2 गुना x। ओके, चलिए यहाँ पे इसको आगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 2 रख देंगे और x का मान कितना आया है, तो x का मान 20 आया है। ओके, तो 20 रखेंगे, तो 20 दुना कितना हो गया, 40 मीटर आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न को आप लोग बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ओके, तो चलिए हम लोग पहले मित्र की आयु को x मान लेते हैं, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु की
वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष तथा दूसरे, इसीलिए यहाँ पे दूसरे मित्र की जो आयु है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु क्या है, x है, और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु जो है दोनों का योगफल कितना है, 20 वर्ष है। दोनों का योगफल कितना है, 20 वर्ष है। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरे मित्र की आयु को रोक लेंगे, x है प्लस में बराबर की इस पर आ जाएगा माइनस में, तो दूसरे मित्र की आयु क्या आ गया, दूसरे मित्र की आयु जो है आ गया 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स वर्ष। यह कैसे आया आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया। देखिए बड़ा सिंपल है, पहला और दूसरे मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु क्या मान है एक्स, और दूसरा मित्र की आयु, दोनों को जोड़कर कह रहा है योगफल 20 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे मित्र को रोक लिए, x से प्लस में बराबर की उस पर चला गया माइनस में, तो दूसरे मित्र की आयु आ गया x माइनस 20 वर्ष। चलिए अब यहाँ पे प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष दोनों में घटा देंगे। तो देखिए पहले मित्र की आयु x है, तो इसमें से 4 घटा देंगे, 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो घटा देंगे। फिर 20 दूसरे मित्र की कितना है, 20 माइनस एक्स है, इसमें से भी 4 वर्ष घटा देंगे, और दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल जो है 48 था, तो दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 48, यही क्वेश्चन है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 4 इंटू 20 से 4 घटेगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए एक्स से दोनों में गुना, फिर 4 से दोनों में गुना, तो एक्स में 16 से 16 एक्स, एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस, 4 में एक्स से 4 एक्स बराबर 48। और यहां से देखिए 16 एक्स है प्लस में और 4 एक्स है प्लस में, 16 4 कितने होते हैं 20 एक्स, अब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 है, 48 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में 48, बराबर कितने बच गए 0। तो आगे सॉल्व कीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस में, और यहां से हम लोगों को लिखना है 20 एक्स, ओके, तो चलिए प्लस में लिखते हैं 20 एक्स, और 48 माइनस में और 64 भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही जाती है, तो चलिए 8 4 12 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। तो इसको आगे इसको चिन्ह चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस के 20 एक्स प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। देखिए माइनस वाला प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब इसको देखिए बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं, पहले d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल के देख लेते हैं। देखिए पहला a होता है, दूसरा b, तीसरा c, तो b के मान कितने हैं, 20 है, माइनस 20 है स्क्वायर माइनस 4 गुना a, ए के मान कितने हैं, तो एक छुपा और रहता है, और सी के मान कितने हैं, तो प्लस 112 है, 20 में 20 से गुना करेंगे 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 12, अब यहाँ पे गुना करेंगे 4 दुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ओके, तो देखिए 400 से 448 घटेगा, तो आप बताइए कितना बचेगा, माइनस 48, तो डी के मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल कैसा है, काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, और काल्पनिक रहता है प्यारे बच्चों, तो उसका जो है काल्पनिक, उसका जो है मूल नहीं निकलता है, काल्पनिक है। चलिए तो यहाँ पे इसके मूल तो नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं, यह स्थिति जो है संभव नहीं है,
यही आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए निकालते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखेंगे माना कि, चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि जो परिमाप है कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। तो आयत के परिमाप क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग आयत के परिमाप पढ़े होंगे, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ओके, तो यह जो परिमाप है कितना दिया है, 80 मीटर। यहां से कट जाएंगे, 2 × 2 40, 2 × 80। तो यहां पर लंबाई के मान कितना रखना है, x प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 40। और यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखिए चौड़ाई को रोक लेंगे, x है प्लस में बराबर के, इस पर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखते हैं x। तो यहां पे हमारा चौड़ाई निकल गया। अब यहां से क्या कर देंगे, देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से यहाँ पर पार्क के क्षेत्रफल दे रखा है, कह रहा है दूसरी कंडीशन में देखिए, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दे रखा है 400। ओके, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। लंबाई कितना है, तो देखिए लंबाई को हम लोग एक्स माने, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना आया है, देखिए 40 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 40 माइनस का एक्स रख देंगे बराबर 400। और यहाँ से एक्स में 40 से गुना करेंगे, 40x, और एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 400 है प्लस में बराबर के, इस पर आ जाएंगे माइनस में, 400 बराबर कितने, 0। और एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको, माइनस के एक्स स्क्वायर सीधा करके लिख लेंगे, फिर प्लस में कितना है, 40x, और आगे है माइनस के 400 बराबर 0। अब यहां से बच्चों इसको चिन्ह को चेंज कर लेंगे, माइनस में है एक्स स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में है 400 तो ये आपका प्लस में है 40 तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस के 40x, और फिर 400 है माइनस में तो ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस में 400 बराबर कितने, 0। तो देखिए यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग डी निकाल कर सॉल्व करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। चलिए पहले का ए होता, तो प्यारे बच्चों पहला जो होता है ए होता है, दूसरी का बी होता है, तीसरी का सी। तो बी के मान कितना है, -40 है, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, -4 × a, a का मान कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, और c, c के मान कितने हैं, 400। चलिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 1600 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, 4 × 4 = 1600 से गुना करेंगे तो 1600 आ गया, तो 1600 से 1600 घट गया, कितने बच गया, 0। d का मान 0 आ गया, तो मूल तो वास्तविक है, तो यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा 2a। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं -b, b के मान कितने हैं, -40 है, और बाहर कितना है, माइनस है, तो माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस d, तो d के मान 0 रखना है, बट्टा 2 × a, तो a के मान कितने हैं, 1 छुपा हुआ है। आइए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के 40 प्लस माइनस, 0 का √0 निकलेगा, और यहाँ से 2 × 2, तो देखिए 40 + 0 करेंगे एक बार, और एक बार 40 − 0 / 2 करेंगे, ठीक है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो यहाँ से देखिएगा, तो 40 में 0 जोड़ेंगे, 40 / 2, और यहाँ से 40 में से 0 घटाएंगे, 40 / 2, तो यहाँ पे
एक्स बराबर कितने आ जाएंगे, तो 40 के आधा 20 और 40 के आधा 20, तो ये आपका 20 और 20 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छा से लिख देते हैं। अतः यह संभव है तथा पार्क वर्गाकार है। ओके, भुजा बराबर 20 मीटर आंसर। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके उदाहरण वाला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उदाहरण से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।